जवान मूवी देखी भाई? एक नंबर 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 फिल्म, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, टोटली पैसा वसूल फिल्म, बहुत ही पैसा वसूल। एसआरके ने मनवा दिया कि भाई 57 की एज में भी वो 25 के लग रहे हैं और 25 की एनर्जी है उनके अंदर, क्योंकि बहुत ही शानदार एनर्जी है, बहुत ही शानदार एक्टिंग है, बहुत ही शानदार स्क्रिप्ट राइटिंग है इस फिल्म की, बहुत ही एक नंबर नेक्स्ट लेवल। मतलब कि ये फिल्म देखकर आपको लगेगा कि हाँ यार, मैंने कोई फिल्म देखी है जिसका मेरे को पैसा वसूल हुआ है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थिएटर्स पे अगर आप देखोगे तो फिल्मों के लोग इंटरवल के बाद उठ जाते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट डे का कलेक्शन मैं अगर रियल बताऊँ आपको तो मेरे ख्याल से 60-70 करोड़ का कलेक्शन फर्स्ट डे होगा, मैं रियली बता रहा हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से इसके घूस बंस मतलब शोज चल रहे हैं तो उनको देख कर लग रहा है और टोटली घूस बंस आ रहे हैं, इसीलिए सर बोल रहा हूँ 60-70 करोड़ इसका फर्स्ट डे का कलेक्शन होगा, आप तक का इतिहास रचने वाला है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसके ये बहुत कम आएगी मूवी, तो सलार इसका रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगी? नहीं, सलार इसके सामने नहीं टिकेगी। हाँ, हो सकता है कि इसके आधा कलेक्शन कर ले, इसकी जो कमाई पर लोग तो कह रहे हैं सर ये भी बहुत बड़ी बजट की फिल्म है, फिल्म है, इसमें यश का कैमियो भी होने वाला है रॉकी भाई का। देखिए, सलार नहीं कमाएगी, सलार के बाद जो रॉकी भाई की मूवी आएगी वो कमा सकती है, बाकी ये नहीं कमाएगी, क्योंकि ये जवान फिल्म ने, देखिए पठान फिल्म जब आई थी तो उसने बाहुबली का रिकॉर्ड ब्रेक किया था, अब पठान का रिकॉर्ड खुद शाहरुख खान ही तोड़ रहे हैं, तो शाहरुख खान के स्टारडम को, उनकी एक्टिंग को समझ रहे हो, तो उनके आगे कोई भी नहीं टिक सकता है। और प्रभास की सलार ऐसा नहीं कह रहा कि फ्लॉप जाएगी, कमाएगी, लेकिन जवान के आगे नहीं टिक पाएगी, मेरा ऐसा मानना है। और जवान मूवी में कैमियो कैसा लगा? थलापति विजय का अच्छा था, थलापति विजय का अच्छा था, और दीपिका पादुकोण सब का अच्छा था, एक नंबर का था। इनके जो स्पेशल जो मतलब इनके जो कैरेक्टर्स दिए गए हैं तो वो भले ही 15-20 मिनट के दिए गए हैं, लेकिन उनकी जो एक्टिंग, उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो ऐसा लग रहा है कि फिल्म के अंदर अगर शाहरुख खान ना होते तो मतलब पूरी फिल्म उन्हीं को दे देते ना, तो वही पूरी फिल्म संभाल लेते। हालांकि एटली का डायरेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और उनके बारे में सुनने में भी आया कि भाई वो ऐसा एक डायरेक्टर है एटली, जो कि अगर शाहरुख खान ना भी होता फिल्म में, किसी और को नए कैरेक्टर को भी अगर एक्टर को ले लेता ना, तो उससे भी यही कंटेंट नहीं करवा लेता जो शाहरुख खान से नहीं करवाया है। तो मेरे हिसाब से ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा कमाई करेगी, और कमाई करनी भी चाहिए, क्योंकि ये रेड चिलीज एंटरटेनमेंट लेवल पर आई है, जो कि शाहरुख खान की है, उनकी वाइफ है गौरी खान प्रोड्यूसर। तो इस मूवी कितने स्टार देंगे? मैं इसको दूंगा पूरे 5 में से 5 स्टार। ओके सर, थैंक यू।